कर्व्स इन स्पेस डिफरेंशियल ज्योमेट्री वीडियो नंबर 31। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल एग्जिस्टेंस थ्योरम फॉर स्पेस कर्व। प्रूफ इसका भारी है, इसलिए हमने काफ़ी कुछ मटेरियल पहले लिख दिया हुआ है। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है और ये प्रूफ शुरू है, भूमिका है। देखें, इफ कप्पा एस एंड टाऊ एस आर कंटिन्यूस फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल एस वेयर एस इज नॉन नेगेटिव, then there exists a space curve for which kappa is curvature, tau is torsion and s is the arc length measured from some suitable base point. Proof: recalling the existence theorem of ordinary differential equations, these three equations have a unique set of solutions for a given set of variables, for a given set of values of alpha, beta, gamma एट अ सुटेबल वैल्यू ऑफ एस। इन तीन इक्वेशंस में अल्फा, बीटा, गामा डिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका में है और एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल की भूमिका में है। अल्फा, बीटा, गामा इसमें है मौजूद। फिलहाल यहाँ पर जो कप्पा टाऊ है ये कांस्टेंट है। आगे चल करके प्रूफ को हम आगे बढ़ाएंगे भी थ्योरेटिकली सिद्धांतता, और आगे चल करके हम सिरेट फ्रीनेट फार्मूली से कनेक्ट होते हुए ये प्रमाणित करने की कोशिश करने जा रहे हैं कि जो कप्पा और टाऊ हैं वो क्रमशः कर्वेचर और टॉर्सन की भूमिकाओं में है। देखो, इस थ्योरम के प्रूफ की जो शुरुआत है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के इलाके का एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस थ्योरम, उसी से शुरुआत है। और अब पता नहीं आपके यहाँ सिलेबस में थियरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस है या नहीं है। अगर थियरी ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं तो ये एग्जिस्टेंस थ्योरम आप जानते होंगे, अगर नहीं है तो इसको आप क्रैम करो, रटो, याद रखो कि ऐसा होता है और इसके बाद फिर आगे बढ़ो। तो पहले तो हमने ब्लैक कलर से लिख दिया है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की थियरी में एग्जिस्टेंस थ्योरम होता है उसको। These three equations have unique set of solutions for a given set of values of alpha, beta, gamma at a suitable value of s. अब ये तीन sets of values of alpha, beta, gamma at suitable point s equal to zero पर हमने लिया हुआ है। तीन कलर से लिख दिया ताकि आपको clear दिखाई पड़े। Let alpha one, beta one, gamma one be the unique set of solutions for which the values at s equal to zero are 100. माने हमें एक ऐसा पॉइंट, सुटेबल पॉइंट चूज करना है एस बराबर जीरो, उसको हम कह दे रहे हैं, जहाँ पर यही सोल्यूशन आए, अल्फा वन, बीटा वन, गामा वन के ये सोल्यूशंस आए। लेट अल्फा वन, बीटा वन, गामा वन बी द यूनिक सेट ऑफ सोल्यूशंस फॉर विच द वैल्यूज एट एस इक्वल टू जीरो आर 100। अब 010 सोल्यूशन देने वाला जो अल्फा, बीटा, गामा के मान है, माना कि वो अल्फा टू, बीटा टू, गामा टू है, वही सुटेबल पॉइंट एस इक्वल टू जीरो पर। 001 सोल्यूशन देने वाले एस इक्वल टू जीरो पर अल्फा, बीटा, गामा के जो मान है, वैल्यूज हैं, माना कि वो अल्फा थ्री, गामा थ्री, अल्फा थ्री, बीटा थ्री, गामा थ्री है, यही लिखा। देखो, लेट अल्फा टू, बीटा टू, गामा टू बी द यूनिक सेट ऑफ सोल्यूशंस फॉर विच द वैल्यूज एट एस इक्वल टू जीरो आर 010। लेट अल्फा थ्री, बीटा थ्री, गामा थ्री बी द यूनिक सेट ऑफ सोल्यूशंस फॉर विच द वैल्यूज एट एस इक्वल टू जीरो आर 001। कलर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियर दिखाई पड़े और बहुत ही जो भिन्नता है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो, विजुअल हो। आइए अब आगे बढ़ें, इतनी भूमिका के बाद हम एनालिसिस करने जा रहे हैं। BSc के फिफ्थ सेमेस्टर के सिलेबस में डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर्स है, उसी में ये थ्योरम दिया हुआ है सिलेबस में, इसलिए इसको हम पढ़ा रहे हैं। ठीक, नाउ डी बाई डी एस ऑफ अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस
गामा वन स्क्वायर इज इक्वल टू, यही लिख दिया जाए, टू अल्फा वन डी अल्फा वन अपॉन डी एस प्लस टू बीटा वन डी बीटा वन अपॉन डी एस प्लस टू गामा वन डी गामा वन अपॉन डी एस इक्वल्स टू टू अल्फा वन इन टू। देखो ये इनका इस्तेमाल करना है हमको, डी अल्फा अपॉन के बीटा है, के इज कॉन्स्टेंट हियर, तो डी अल्फा वन अपॉन डी एस क्या होगा, कप्पा बीटा वन, तो ये हो गया कप्पा बीटा वन प्लस टू बीटा वन डी बीटा वन अपॉन डी एस, डी बीटा वन अपॉन डी एस बराबर क्या होगा, टाउ गामा वन माइनस कप्पा अल्फा वन प्लस टू गामा वन इंटू डी गामा वन अपॉन डी एस, यहां से माइनस टाउ बीटा वन, और यहां पे लिख दें बाय वन या फ्रॉम वन जैसा भी आप समझे, इक्वल्स टू एक पैकेट कप्पा का बना लीजिए, कप्पा टू अल्फा वन बीटा वन, और यहां पे आएगा माइनस टू अल्फा वन बीटा वन, ठीक, प्लस दूसरा पैकेट टाउ का बना लें टू बीटा वन गामा वन और माइनस टू बीटा वन गामा वन इक्वल्स टू जीरो। इसका डेरिवेटिव जीरो है, इसका मतलब ये कांस्टेंट है, देयरफॉर अल्फा वन स्क्वायर प्लस बीटा वन स्क्वायर प्लस गामा वन स्क्वायर इक्वल्स टू सी वन, ब्रैकेट में लिख दीजिए कांस्टेंट, और नंबर टू, इनिशियली एट एस इक्वल टू जीरो अल्फा वन बीटा वन गामा वन ये है भाई, अल्फा वन बीटा वन गामा वन एस इक्वल टू जीरो पर वन जीरो जीरो, अल्फा वन इक्वल टू वन बीटा वन इक्वल टू जीरो गामा वन इक्वल टू जीरो, अप्लाइंग दीज कंडीशंस इन तीनों को हम मिटाना नहीं चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं इसको और ऊपर चढ़ा के लिख के प्रिजर्व कर लेते हैं, डी अल्फा अपॉन डी एस इक्वल्स टू कप्पा बीटा, डी बीटा अपॉन डी एस इक्वल टू टाउ गामा माइनस कप्पा अल्फा, डी गामा अपॉन डी एस इक्वल्स टू माइनस टाउ बीटा, नंबर एक इसको कर लिया हमने प्रिजर्व है यूं, ठीक। अब ये सब हम मिटा दे रहे हैं, ये वैल्यूज ध्यान रखिएगा, अल्फा वन बीटा वन गामा वन की ये वैल्यूज हैं, अल्फा टू बीटा टू गामा टू की ये वैल्यूज हैं, अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री की ये वैल्यूज हैं, जब सफिक्स वन 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 लगा है तो पहले पर वन है, जब सफिक्स टू 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 लगा है तो दूसरे पर वन है, जब सफिक्स थ्री 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 लगा है तो तीसरे पर वन है, बस ये दिमाग में बिठा के आगे बढ़ते हैं, स्पेस कम है इसी में हमको सब लिखना पड़ना है। Applying these conditions to two, applying these conditions to two, we get 1 plus 0 plus 0 equal to C1, that is C1 equal to 0, putting it into putting it into we have alpha 1 square plus beta 1 square plus gamma 1 square equals to 1, number 3। कुछ रिजल्ट्स को और भी हम प्रिजर्व करेंगे, इसको हम डिफरेंट कलर से लिखते चल रहे हैं, अल्फा 1 square plus बीटा वन स्क्वायर प्लस गामा वन स्क्वायर इक्वल्स टू वन। सिमिलरली वी कैन गेट, सिमिलरली वी ऑब्टेन अल्फा टू स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर प्लस
गामा टू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, नंबर फोर, अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस बीटा थ्री स्क्वायर प्लस गामा थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू वन, नंबर फाइव। कहा गया ये अल्फा टू स्क्वायर प्लस बीटा टू स्क्वायर प्लस गामा टू स्क्वायर इक्वल्स टू वन, अल्फा थ्री स्क्वायर प्लस बीटा थ्री स्क्वायर प्लस गामा थ्री स्क्वायर इक्वल्स टू वन, ये है इक्वेशन नंबर थ्री फोर फाइव, थ्री फोर एंड फाइव। समझ में आ गया? नेक्स्ट, डी बाई डी एस ऑफ अल्फा वन, डी बाई डी एस ऑफ अल्फा वन अल्फा टू, सॉरी अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू, इसको निकालेंगे इक्वल्स टू अल्फा वन डी अल्फा टू अपॉन डी एस प्लस अल्फा टू डी अल्फा वन अपॉन डी एस प्लस, इसे देखें प्रोडक्ट रूल लग रहा है दोनों तीन बार, यहाँ यहाँ यहाँ, बीटा वन डी बीटा टू अपॉन डी एस प्लस बीटा टू डी बीटा वन अपॉन डी एस प्लस गामा वन डी गामा टू अपॉन डी एस प्लस गामा टू डी गामा वन अपॉन डी एस। वही वन का इस्तेमाल फिर करना है, इक्वल्स टू अल्फा वन इंटू डी अल्फा टू अपॉन डी एस, इससे अल्फा की जगह अल्फा टू है तो आप बीटा की जगह बीटा टू कर दो, के बीटा टू कप्पा बीटा टू, ये हो गया प्लस अल्फा टू इंटू डी अल्फा वन अपॉन डी एस कप्पा बीटा वन प्लस बीटा वन डी बीटा टू अपॉन डी एस ब्रैकेट में टाउ गामा टू माइनस कप्पा अल्फा टू डी बीटा टू अपॉन डी एस हो गया, ठीक है ना, प्लस बीटा टू इंटू डी बीटा वन अपॉन डी एस टाउ गामा वन माइनस कप्पा अल्फा वन, ये रहा। एक ब्रैकेट और है, चलो इसे लिख दे रहे हैं बढ़ा के आगे, प्लस गामा वन इंटू डी गामा टू अपॉन डी एस डी गामा टू अपॉन डी एस माइनस टाउ बीटा टू प्लस गामा टू इंटू माइनस टाउ बीटा वन, ऐसा फिर वही कप्पा टाउ के दो पैकेट बना ले, इक्वल्स टू कप्पा अल्फा वन बीटा टू प्लस अल्फा टू बीटा वन और कप्पा यहाँ है और कप्पा यहाँ है माइनस अल्फा टू बीटा वन माइनस अल्फा वन बीटा टू, ये हो गया प्लस टाउ, एक यहाँ पे बीटा वन गामा टू प्लस बीटा टू गामा वन माइनस बीटा टू गामा वन माइनस बीटा वन गामा टू, बीटा वन गामा टू कैंसिल, बीटा टू गामा वन कैंसिल, अल्फा वन बीटा टू कैंसिल, अल्फा टू बीटा वन कैंसिल, इक्वल्स टू ज़ीरो। इसका डेरिवेटिव ज़ीरो है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू इक्वल टू सी टू, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट। हम अभी तक इक्वेशन नंबर कहाँ तक पहुँचे, फाइव तक, इसे लिखे सिक्स। इनिशियली
एट एस इक्वल टू ज़ीरो। इसमें अल्फा वन बीटा वन गामा वन है, अल्फा टू बीटा टू गामा टू है। तो अल्फा वन इक्वल्स टू वन, बीटा वन इक्वल्स टू ज़ीरो, गामा वन इक्वल्स टू ज़ीरो एंड अल्फा टू इक्वल्स टू ज़ीरो, बीटा टू इक्वल्स टू वन, गामा टू इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक, अप्लाइंग दीज कंडीशंस, यहाँ लिख दे रहे हैं इतनी जगह में, अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू सिक्स वी गेट, देखिए अल्फा टू ज़ीरो है, इधर बीटा वन ज़ीरो है, गामा टू ज़ीरो है, तो यह सब जीरो आएगा। सी टू इक्वल टू ज़ीरो, सी टू इक्वल टू ज़ीरो, पुटिंग इट इन सिक्स वी गेट अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर सेवन। Similarly, we get इसी प्रकार से सिमेट्री के आधार पर हम कह सकते हैं सिमिलरली वी गेट, ये था अल्फा वन अल्फा टू, यानी कि अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस बीटा टू बीटा थ्री, ठीक से लिख दिया जाए भाई, ये था वन टू वन टू वन टू, तो की बार टू थ्री टू थ्री टू थ्री, गामा टू गामा थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर एट। और अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस बीटा थ्री बीटा वन प्लस गामा थ्री गामा वन इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर नाइन। इन्हें भी हम प्रिजर्व करना चाह रहे हैं। अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हो गया सेवन। अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस बीटा टू बीटा थ्री प्लस गामा टू गामा थ्री इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर एट। अल्फा थ्री अल्फा वन प्लस बीटा थ्री बीटा वन प्लस गामा थ्री गामा वन इक्वल्स टू ज़ीरो, नंबर नाइन। ये रिजल्ट्स हैं सब, इनको प्रिजर्व कर लिया हमने, इसको उतारिएगा मत। अभी आखिर के जो छह रिजल्ट्स हैं, कौन कौन से, थ्री फोर फाइव सेवन एट नाइन, इससे ये जाहिर होता है कि उतार लिया अब, हम मिटाने जा रहे हैं। फ्रॉम ऐसे लिख लिया ना, सामने दिखता रहे आपको, समझा सकें, आपसे बतिया सकें। फ्रॉम थ्री फोर फाइव एंड सेवन एट नाइन इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट अल्फा वन बीटा वन गामा वन, अल्फा टू बीटा टू गामा टू एंड अल्फा थ्री बीटा थ्री गामा थ्री आर डायरेक्शन कोसाइंस डी सीज ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स, बोलो ठीक है कि नहीं। डी सीज के स्क्वायर्स का सम वन होता है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू वन ई टी सी। अगर ये परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा वन अल्फा टू प्लस बीटा वन बीटा टू प्लस गामा वन गामा टू बराबर जीरो, ये परपेंडिकुलर अल्फा टू अल्फा थ्री प्लस बीटा टू बीटा थ्री, है ना, देख लिया ये।
अब एक चीज आप जानते हैं, ये थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, राइट हैंड सिस्टम, इसमें तीन लाइंस हैं, एक है ओ एक्स डैश, इसके डीसीज हैं L1, M1, N1, एक लाइन है ओ वाई डैश, इसके डीसीज हैं L2, M2, N2, और एक लाइन है ओ जेड डैश, इसके डीसीज हैं L3, M3, N3। अगर ऐसा है तो हमें तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस के डीसीज का सेट और मिल जाता है। जैसे XYZ सिस्टम में, AXYZ सिस्टम में OX डैश, OY डैश, OZ डैश थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है, थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, समझिएगा। यानी कि हम OX डैश, OY डैश, OZ डैश को भी सिस्टम ऑफ एक्सिस समझ सकते हैं, और इस सिस्टम ऑफ एक्सिस में OX, OY, OZ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हो जाएंगी। और फिर इनके इनके डीसीज क्या हो जाएंगे, सभी का पहला 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 ओ एक्स का डीसी हो गया L1, L2, L3, ओ वाई का डीसीज हो गया दूसरा 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 M1, M2, M3, और OZ के डीसीज हो गए तीसरा 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 N1, N2, N3। इस प्रकार से हमको कुल 12 रिजल्ट्स मिल जाते हैं। इसी की चर्चा करके हम अभी बातचीत को टर्न करेंगे। फ्रॉम दीज वी कैन फाइंड दैट, ये फिगर बना लो, ऐसे कहीं पढ़ा रहेगा ठीक लगेगा, ये याद आ जाएगा। आप जो है, अच्छा मैं लिख लूँ पहले, तब फिर मैं लिखता हूँ। फ्रॉम दीज अभी मैं बताता हूँ कहाँ पे ये सी पढ़े हुए। वी कैन फाइंड दैट, सबका पहला 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 α1, α2, α3, सबका दूसरा 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 β1, β2, β3, सबका तीसरा 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 γ1, γ2, γ3 आर डीसीज ऑफ एनदर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, आर या लाइंस ना लिख के वेक्टर्स लिख दो, उसके पीछे कारण बताते हैं आपको। फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड दैट दिस 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 आर डीसीज ऑफ एनदर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स। दैट इज α1, α2, α3, β1, β2, β3। देखो ये बड़ा ब्रैकेट में लिखा हुआ है, सब स्मॉल ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ये डायरेक्शन कोसाइन हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं। ये वेक्टर लिख रहा हूँ, वेक्टर, वेक्टर को कंपोनेंट फॉर्म में भी तो लिखा जाता है ना। जैसे देख लो, मान लो वेक्टर A बराबर है A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप, तो इसी वेक्टर को हम लिखते हैं ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में A1 कामा A2 कामा A3। ये कंपोनेंट प्रेजेंटेशन है वेक्टर का, तो उसी फॉर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं γ1 γ2 γ3 आर ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स, आर ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स। अगर ये वेक्टर हैं, ये किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं, मान लो हम कह रहे हैं कि ये वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर होगा। ये आप डायरेक्शन कोसाइन चैप्टर में ही ट्रेनिंग लिए हुए हैं कि अगर कोई यूनिट वेक्टर लिखा हुआ है, जैसे ए कैप इक्वल टू और आई जे के फॉर्म में लिखा हुआ है, आई जे के फॉर्म में मान लो लिखा है यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप, यूनिट वेक्टर लिखा है, तो ये जो यू वी डब्ल्यू है ना, ये वेक्टर ए के डीसीज होते हैं, वेक्टर ए के डीसीज होते हैं, या यू कह लीजिए। अगर यू वी डब्ल्यू डीसीज हैं तो फिर ये जो वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर होगा,
यानी ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तीनों, इसलिए ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स बनाएंगे। चूंकि ये यूनिट वेक्टर्स हैं, ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स बना रहे हैं, इसलिए इनके लिए एक नया नोटेशन डालने जा रहे हैं। हाँ, उसके पहले आपको यहाँ पे सलाह दी जाती है, वॉच द वीडियो, इन सब रिजल्ट्स के लिए आपको सलाह दिया जा रहा है, वॉच द वीडियो। कौन सा वीडियो? सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, सिस्टम ऑफ थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एंड 12 रिजल्ट्स, गणितपुर, इतना टाइप करके सर्च करोगे तो वो वीडियो खुल जाएगा। ये 12 रिजल्ट्स वाला जो सब है, ये सब पूरा जो लिखा हुआ है यहां से यहां तक। लेट अस डिनोट दीज यूनिट वेक्टर्स। अब आइए इस वाक्य को जारी रखें, इस बातचीत को जारी रखें, वाक्य को नहीं। लेट अस डिनोट दीज यूनिट वेक्टर्स अब देखो हम कह रहे हैं कि इस यूनिट वेक्टर को टी कैप लिख दो, इसको एन कैप लिख दो, इसको बी कैप लिख दो। अब आप कहोगे क्यों हम कुछ और कर दे, तो कुछ और कर दीजिए, लेकिन ध्यान रहे हम इस समय एग्जिस्टेंस थ्योरम पढ़ रहे हैं। एग्जिस्टेंस थ्योरम का मतलब है कि किसी चीज़ के एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि हाँ भाई, हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा अस्तित्व में आ सकता है, तो संभावना तलाश रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है, वही हुआ करके हम दिखाने जा रहे हैं। लेट अस डिनोट दीज यूनिट वेक्टर्स रेस्पेक्टिवली बाय टी कैप, एन कैप, बी कैप। दस टी कैप इज इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट अल्फा वन, अल्फा टू, अल्फा थ्री। ये जान रहे ना क्यों यूनिट वेक्टर है, क्योंकि ये तीनों डीसीज हैं। एन कैप इक्वल्स टू बीटा वन, बीटा टू, बीटा थ्री। बी कैप इक्वल्स टू गामा वन, गामा टू, गामा थ्री। हमें मालूम है जो टी एन बी है, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स बनाते हैं। चूंकि ये भी ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर्स बना रहा है और टी एन बी भी ऑर्थोगोनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेक्टर बना रहा है, तो इस तरीके से हमने इसको डिनोट कर दिया। इसलिए हम इसको डिनोट कर पाए, इन तीनों को टी एन बी से डिनोट कर पाए। टी एन बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका क्रम आपको मालूम है, ऐसे लिखते हैं। इतना ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, फिर इधर हम साफ करेंगे। 10 मिनट और, थोड़ा सा वीडियो साइज बढ़ जाएगा, कोई बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसकी शुरुआत वही थोड़ी दिक्कत करेगी, क्योंकि थ्योरी ऑफ इक्वेशंस जो पढ़े होंगे तो उनके लिए तो बात बहुत हल्की हो गई, जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए बात थोड़ी जटिल हो गई। बस वही शुरुआत ही बस, उसके बाद बहुत बढ़िया है, बहुत ही स्मूथ प्रूफ है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। लेट द कर्व बी डिफाइंड बाय, लेट द कर्व बी डिफाइंड बाय स्मॉल आर वेक्टर, विच इज स्मॉल आर वेक्टर ऑफ एस इक्वल्स टू इंटीग्रल जीरो टू एस, एस इक्वल टू जीरो से मेजर कर रहे हैं आर्क लेंथ, आर डेस ऑफ एस डी एस, यानी कि इंटीग्रल जीरो टू एस, आर डेस होता है टी कैप ऑफ एस, आर डेस बराबर टी कैप डी एस। नंबर कहाँ तक पहुँचा हम लोगों का? 3, 4, 5, 7, 8, 9 हुआ था ना, 10वां नंबर, 10। सो दैट
आर डेस वेक्टर विच इज डी वेक्टर आर अपॉन डी एस विच इज डी अपॉन डी एस इंटीग्रल जीरो टू एस टी कैप ऑफ एस डी एस इक्वल्स टू, अब ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एस का फंक्शन है, एस के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट, डेफिनेट इंटीग्रल का डेरिवेटिव ये बराबर आएगा टी कैप ऑफ एस। ठीक ना, डी टी कैप अपॉन डी एस बराबर डी टी कैप अपॉन डी एस डी अपॉन डी एस टी कैप किसको माने थे आप, यूनिट वेक्टर अल्फा वन अल्फा टू अल्फा थ्री कंपोनेंट फॉर्म, दिस विल बी डी अल्फा वन अपॉन डी एस डी अल्फा टू अपॉन डी एस डी अल्फा थ्री अपॉन डी एस इक्वल्स टू डी अल्फा वन अपॉन डी एस, लो मिटा दिया हमने, वो जो इक्वेशन नंबर वन था फिर से लिख दें, चलो ये लिख देना डी अल्फा अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा बीटा, डी अल्फा अपॉन डी एस इक्वल टू कप्पा बीटा, डी बीटा अपॉन डी एस इक्वल्स टू टाऊ गामा माइनस कप्पा अल्फा, और टी गामा अपॉन डी एस डी गामा अपॉन डी एस इक्वल टू माइनस टाऊ बीटा, ये था इक्वेशन नंबर वन, इसको दोबारा न उतारिएगा इसलिए इसको कट लगा देना। तो डी अल्फा वन अपॉन डी एस क्या होगा, कप्पा बीटा वन कामा डी अल्फा टू अपॉन डी एस कप्पा बीटा टू, डी अल्फा थ्री अपॉन डी एस कप्पा बीटा थ्री इक्वल्स टू कप्पा ब्रैकेट में बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री, और ये क्या चीज हो गया कप्पा ये एन कैप एक हुआ। इसी प्रकार से डी बी कैप अपॉन डी एस निकालने जा रहा हूं, इधर निकाल दे रहा है, शुरुआत यहीं से कर दे रहा है, जगह की कमी पड़ेगी। डी बी कैप अपॉन डी एस इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस बी कैप, बी कैप माने गामा वन ओए ठीक गामा वन गामा टू गामा थ्री इक्वल्स टू डी गामा वन अपॉन डी एस डी गामा टू अपॉन डी एस डी गामा थ्री अपॉन डी एस, देखो कलर बदल के लिखने से ही फायदा नहीं, इसे सट जाता तो फुहड़ा लगता, इक्वल्स टू डी गामा वन अपॉन डी एस माइनस टाउ बीटा वन, इसी प्रकार से डी गामा टू अपॉन डी एस माइनस टाउ बीटा टू, एंड सिमिलरली थर्ड वन विल बी माइनस टाउ बीटा थ्री, माइनस टाउ कॉमन ले लिया बीटा वन बीटा टू बीटा थ्री बचा, एंड दिस इज नथिंग बट माइनस टाउ एन कैप। अब गौर से देखते चलिएगा इनको, ये सिरेट फ्रीनेट फार्मूली निकल रहा है, नेक्स्ट डी एन कैप अपॉन डी एस डी एन कैप अपॉन डी एस इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस एन कैप इक्वल्स टू डी अपॉन डी एस एन कैप बराबर क्या होगा, यहां पे देखें बी क्रॉस टी बी कैप क्रॉस टी कैप इक्वल्स टू डी बी कैप अपॉन डी एस क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप क्रॉस डी टी कैप अपॉन डी एस इक्वल्स टू डी बी कैप अपॉन डी एस आप निकाले हुए हैं माइनस टाउ एन कैप क्रॉस टी कैप प्लस बी कैप क्रॉस डी टी कैप अपॉन डी एस निकाले हुए आप कप्पा एन कैप कप्पा एन कैप इक्वल्स टू माइनस टाउ ब्रैकेट में एन कैप क्रॉस टी कैप प्लस कप्पा ब्रैकेट में बी कैप क्रॉस एन कैप
इक्वल्स टू माइनस टाउ ब्रैकेट में एन क्रॉस टी माइनस बी प्लस कप्पा बी क्रॉस एन माइनस टी, तो ये आ गया टाउ बी कैप माइनस कप्पा टी कैप। ये देखिए गौर से इनकी नंबरिंग कर दी जाए, 10 तक हुआ था ना, 11, 12 और 13। एक्सप्रेशंस एक्सप्रेशंस 11, 12 एंड 13 आर सिरेट फ्रेनेट फार्मूली फार्मूली इन विच सिरेट फ्रेनेट फार्मूली में हम जानते हैं कि जो कप्पा टाउ होता है ये क्रमशः कर्वेचर और टॉर्सन ही होता है। शुरुआत में जो हम लिए थे वो तो बतौर कांस्टेंट लिए थे, बाहैसियत कांस्टेंट, इन विच कप्पा इज कर्वेचर एंड टाउ इज टॉर्सन। बस हो गया, यही प्रूव करना था, इसी को समराइज करके एक फाइनल स्टेंजा लिख दिया जाए बस। Finally, we conclude that. Finally, we conclude that there exists a space curve. There exists a space curve. Defined by 10, defined by numbering 10, for which kappa is curvature, tau is torsion, and s is the arc length measured from some suitable base point where s equal to 0 या s equal to 0 लिख दो। इट कम्प्लीट्स द प्रूफ। काफ़ी लंबा वीडियो है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।